नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग के 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। और साथ ही दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग वीडियो एग्जाम्स के लिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही दोस्तों इस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोग को ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आप लोग हर एक चीज से अवगत बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने क्लास को। दोस्तों, अब आप लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आप लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जो है अपने नाम किया है? मानुषी छिल्लर जी ने, वेनेसा पोन्स डी लियोन ने, कादिज रॉबिन्सन ने, या फिर निकोलेन निल्सन ने? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है ये है, वेनेसा पोन्स डी लियोन ने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है। और आपको बता दें, उन्हें पिछले वर्ष की विजेता मानुषी छिल्लर के ताज जो है इन्हें पहनाया है, ठीक है। और उन्हें पिछले वर्ष की जो विजेता थी मानुषी छिल्लर, इन्होंने जो है ताज पहनाया। तो दोस्तों, इससे पहले जो थी, जिन्होंने जो मिस वर्ल्ड थी वो थी मानुषी छिल्लर, और वर्तमान में दोस्तों अब ये हैं वेनेसा पोन्स डी लियोन। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का है बी वाला, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग का, मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीतने वाली सुंदरी किस देश की नागरिक हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें, ये जो हैं वेनेसा पोन्स डी लियोन, ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, तो ये किस देश की नागरिक हैं? तो आपको बता दें, ये है मैक्सिको की, ठीक है ना, जिन्होंने दोस्तों ये मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है। वेनेसा जो है पहली मैक्सिको की जो है, आपको बता दें, वेनेसा जो है वो पहली मैक्सिको की पहली प्रतियोगी है जिन्होंने यह खिताब जीता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या वार्षिक 1.35 मिलियन हो गई है, जबकि यह आंकड़ा प्रत्येक वर्ष जो है बढ़ रहा है? तो दोस्तों, ऐसा किसने किया? विश्व बैंक ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, या फिर संयुक्त राष्ट्र ने? तो दोस्तों आपको बता दें, ये कहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है, इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और आपको बता दें, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2018 जारी की है। और रिपोर्ट में दोस्तों आपको बताएं कि कहा गया है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, यहाँ पर देख सकते हैं, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है किस राज्य में बनाया जा रहा है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मणिपुर। आपको बताएं कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुसार मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, और यह पुल जो है आपको बता दें मणिपुर की आयरिंग नदी पर बन रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर यह है मणिपुर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की, जापान के बाद भारत ने किस देश को हाल ही में वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। और जापान के बाद भारत ने दक्षिण कोरिया को हाल ही में वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने की घोषणा की है। इस कदम से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ओके, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ये राइट आंसर है दोस्तों इसका दक्षिण कोरिया। आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, भारत द्वारा हाल ही में किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का 7वां सफल परीक्षण किया गया है? तो कौन सी मिसाइल दोस्तों? अग्नि 4, अग्नि 5, पृथ्वी 3, या फिर पृथ्वी 4? तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह है अग्नि 5। भारत ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक अग्नि 5 का 10 दिसंबर 2018 को सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है, और यह इस मिसाइल का 7वां परीक्षण है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर है अग्नि 5। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, किस देश ने वैज्ञानिकों की लंबी गर्दन और पूंछ वाले एक विशालकाय शाकाहारी डायनासोर वोल्गा टाइटन की पहचान की है? रूस, नेपाल, चीन, या फिर जापान? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। आपको बता दें, रूस के वैज्ञानिकों ने लंबी गर्दन और पूंछ वाले एक विशालकाय शाकाहारी डायनासोर वोल्गा टाइटन की पहचान की है, जो करीब, यहाँ से आपको बता दें, 13 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहते थे, उनकी ये खोज की है।
चलिए दोस्तों फिलहाल बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध प्रभावित यमन में कितने करोड़ लोग जो है भूख का और कम से कम 2.5 लाख लोग तबाही का सामना कर रहे हैं? 3 करोड़, 4 लोग, 4 करोड़, 7 करोड़ या फिर 2 करोड़? तो आपको बता दें दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 करोड़, क्योंकि यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यानी कि यूनाइटेड नेशन के दोस्तों अकॉर्डिंग युद्ध प्रभावित यमन में 2 करोड़ लोग जो है भूख का, कम से कम 2.5 लाख लोग तबाही का सामना कर रहे हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद फिलहाल बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, आईसीसी ने 10 दिसंबर 2018 को किस देश के स्पिनर अकीला धनंजय के गेंदबाजी एक्शन को अवैध करार देते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से निलंबित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान? तो दोस्तों आपको बताएं इसका जो राइट आंसर है यह है श्रीलंका। ओके, तो आईसीसी ने 10 दिसंबर 2018 को श्रीलंकाई स्पिनर अकीला धनंजय के गेंदबाजी एक्शन को अवैध करार देते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से निलंबित कर दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 10th क्वेश्चन आप लोग का क्या है, केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 10% के बजाय जो है कितने परसेंट योगदान करेगी? 14, 20, 25 या फिर 12%? दोस्तों इसका राइट आंसर है 10% की जगह जो है 14% का योगदान करेगी। और इसके अलावा आपको बता दें जो सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस से की जाने वाली निकासी पर अब टैक्स नहीं लगेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों 11th क्वेश्चन में, देख सकते हैं कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी कि सीपीजे द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में 1 दिसंबर तक दुनिया भर में कितने पत्रकार जो है जेल में बंद किए गए? 251, 355, 521 या फिर 640? तो दोस्तों आपको बताएं इसका जो राइट आंसर यह है 251। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? यह है 251। और आपको बताएं कि कमेटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट यानी कि सीपीजे के मुताबिक 2018 में यानी कि 1 दिसंबर तक दुनिया भर में 251 से अधिक पत्रकार जो है जेलों में बंद किए गए, जिनमें से 13% महिलाएं भी हैं। और इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये क्या है, देखिए, रेलवे ने जनवरी 2019 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे कुंभ के मेले के लिए 700 करोड़ रुपए की कितनी योजनाएं शुरू की हैं? 81, 60, 55 या फिर 41? तो दोस्तों आपको बताएं इसका जो राइट आंसर है यह है 41। ओके, तो रेलवे ने जनवरी में प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे कुंभ के मेले में 700 करोड़ रुपए की 41 योजनाएं शुरू की हैं, और जिनमें से आपको बता दें 29 योजनाएं जो हैं पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस राज्य के हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा है कि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, इसलिए उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था? महाराष्ट्र, मेघालय, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों आपको बताएं इसका जो राइट आंसर यह है मेघालय। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का मेघालय। और मेघालय हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा है कि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, इसलिए उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। चलिए फिलहाल दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवीएस मोटर के चेयरमैन का नाम क्या है, जिन्होंने अभी हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट ने जो है वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया, कपिल गोस्वामी, पवन वंसल, वेणु श्रीनिवासन या फिर आरपी नटराजन? तो दोस्तों आपको बताएं इसका जो राइट आंसर है ये है, जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर ये है वेणु श्रीनिवासन। तो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह और टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु गोपालन को अपनी विभिन्न न्यासों का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वेणु श्रीनिवासन, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, तो हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 31 दिसंबर तक देश भर में 40 नई शाखाएं खोलेगा, जिससे उसकी कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर 978 हो जाएगी? कोटक महिंद्रा बैंक, RBL, कैनरा बैंक या फिर बंधन बैंक? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है यह है बंधन बैंक। क्लियर इतनी बात? ओके, तो बंधन बैंक ने यहाँ पर घोषणा की है कि 31 दिसंबर तक देश भर में 40 नई शाखाएं खोलेगा, जिससे उसकी कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर यहाँ पर 978 हो जाएगी। ओके, तो ये थे दोस्तों वीकली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब हम आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग वीडियो एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये कुछ आने वाले इस वीडियो एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी? रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन या फिर चीन? तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखते हैं आप लोगों में से किसे पता है। मैंने पहले भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आई होप आप सभी को पता होगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इसका जो राइट आंसर है ये है आप लोग का कजाकिस्तान। ठीक है,
क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये है आप लोग का कजाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू की से मानद नागरिकता वापस ली? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, कनाडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें ये जो थे आप लोग के आंग सान सू की से, तो इसे मानद नागरिकता जो है वापस ले ली है, तो वो देश है कनाडा। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ये है कनाडा। इसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से कौन जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, इसका जो राइट आंसर है ये है आप लोग का ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी, ठीक है, मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए? कौन सा देश है दोस्तों? स्वीडन है, जर्मनी, जापान, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग कि सितंबर 2018 में भारत ने जो है फ्रांस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो है किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में से किसे पता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो इस वीडियो के लास्ट में सारी करंट अफेयर की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोग जो है बिल्कुल एंड में जो है आप लोग को करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से हमारी अब तक की सारी करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, जो कि आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो अगस्त 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो है किस देश में साथ, तो ये देश है दोस्तों आप लोग का मॉरिशस। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मॉरिशस देश में जो है पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का इन्होंने उद्घाटन किया है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगस्त 2018 में किस देश में भारतीय मूल के प्रवासी लोगों ने अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने के संबंधी कानून बनाया है? तो ये है दोस्तों आपका यूनाइटेड किंगडम। ओके, मैंने आपके साथ ये भी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं आप लोग के साथ कि यूनाइटेड किंगडम देश ने यहाँ पर भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने के संबंधी यहाँ पर एक कानून बनाया है। और नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्र पति चुनावों में एमरसन मनांगवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? युगांडा, केन्या, जिम्बाब्वे या फिर घाना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? तो दोस्तों आपको बताएं, इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये है आप लोग का जिम्बाब्वे। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग का जिम्बाब्वे। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा एमरसन मनांगवा जो है दोस्तों ये जो चुने गए, ये है चुने गए राष्ट्रपति जिम्बाब्वे देश के। ठीक है ना, नवंबर 2017 में। और इसके बाद दोस्तों आपको बात करें कि किस देश में विगत 2 वर्षों से लागू आपातकाल कब 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया? तो ये रहे दोस्तों आप लोग के ऑप्शन, इराक, सीरिया, तुर्की, यमन या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आप लोग का तुर्की। ठीक है ना, किस देश में विगत 2 वर्षों से लागू आपातकाल कब 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया? तो यह है तुर्की। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, फिलीपींस, माली या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है ना, तो इस देश में जो है आपातकाल लागू किया गया था पोलियो के प्रकोप के कारण, उस देश का नाम ध्यान रखिएगा पापुआ न्यू गिनी। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का कि 29 दिसंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का जो है एशिया कप जीता है? 6ठी बार 7वीं 8वीं 9वीं या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है यह है आप लोग का 7वीं बार। क्या है दोस्तों इसका सही जवाब? यह है 7वीं बार एशिया कप जीता है। और यहाँ पर जब मैंने दोस्तों आप लोग का एशियाई खेल के बारे में एक पूरी वीडियो प्रोवाइड कराई थी, तो उनमें से सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। और अगर आपने अभी तक हमारी एशियन गेम वाली वीडियो नहीं देखी है, तो दोस्तों आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे ही सर्च कर सकते हैं, डाल सकते हैं एशियन गेम्स BSA ट्रिकी क्लासेस, ऑटोमेटिक आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग चाहें तो ये सर्च कर सकते हैं एशियन गेम्स BSA डालकर, तो आप लोग को वहाँ पर मैंने एशियन गेम्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किए थे और बिल्कुल डिटेल के साथ हर एक चीज़ बताई थी। फिलहाल उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में कि 18वें एशियाई खेल जकार्ता में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल 69 थे, 15, 21, 33 या फिर 15, 32, 22। ये पहला वाला है स्वर्ण, दूसरा वाला है रजत और तीसरा है कांस्य, टोटल लास्ट वाला कुल है। तो दोस्तों इसका आपको बताएं
15 थे आपके यहाँ पर स्वर्ण पदक, 24 थे रजत और 30 थे कांस्य पदक, तो टोटल यहाँ पर 69 पदक जीते थे। ओके, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि भारत ने दोस्तों टोटल यहाँ पर जो है 69 पदक जीते थे, जिसमें आप लोग के स्वर्ण 15 सॉरी जिसमें आपके स्वर्ण 15 और रजत आप लोग के दोस्तों 24 और कांस्य 30 पदक थे जिसमें। ओके चलिए दोस्तों, फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग, ठीक है, बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी थी दोस्तों? ये थी आप लोग की स्पाइस जेट, ठीक है, कौन सी कंपनी थी दोस्तों? ये थी आप लोग की स्पाइस जेट, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है? तो दोस्तों यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना, कितना दोस्तों? 6,000 करोड़ रुपए की राशि जो है यहाँ पर मंजूर की गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर जो है 900 वर्ष, ठीक है, 900 वर्ष यहाँ पर दोस्तों कितना रहा है? यहाँ पर 900 वर्ष जो है वर्षा ना होना सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, यहाँ पर देख सकते हैं कि फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 23, 23.40, 24 या 24.40? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 24.40%, ठीक है। तो फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है भारत का 24.40% वन जो है भाग वन जो है क्षेत्र में वन क्षेत्र में आते हैं। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं कि जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य में लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता यानी कि भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की गई? तो ये राज्य है सिक्किम, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा है दोस्तों आपका यहाँ पर? वो है सतारा, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 को जो है किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये है आप लोग का सतारा, महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये आप लोग के दोस्तों ये जो है 2018 में सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना इसको माना गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 19 क्वेश्चन की कि इस 2018 सितंबर 2018 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने देश का प्रथम रेलवे स्थापित किया गया? तो फिलहाल दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? देखिए यहाँ पर दिया भारतीय रेल अकादमी, ये भी गलत, भारतीय रेलवे स्कूल गलत, ये भी नहीं, और इसमें इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। ओके, और बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की, जेमैक्स, ठीक है, जीमैक्स यानी कि JIMEX 2018 का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये संबंध है जापान और भारत की नौसेना के युद्ध अभ्यास से। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज की करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो को दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीक में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSC Literature की क्लासेस में। ओके, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।